किसको पता क्या कहूं दो सद समन समझ में न आते। दो सती के जगह पर जहर घोल के आज अपना ही अपने पचाकू चला दे। मिटा करके स्वार्थ में अनमोल नाता विमल स्नेह दामन में दागी लगा दे। इंसानियत के जना देख ऊपर फूल के बदले मैयत पे कांटे चढ़ाते। कवि को एक गजल का नमूना देना पड़ा भैया। उठ मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठ मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। कटा नहीं है जो कुछ हमें हुसैन ने दिया है और किसी ने दिया नहीं है। भाव देना पड़ा भाई। जिसका था विश्वास जग में, जिसका था विश्वास जग में, घर वही तो जला दिया है। जिसका था गम दिया तो गम नहीं, गम दिया तो गम नहीं, पर जाम बिसका पिला दिया है। पर जाम बिस्का पिला दिया है। लेकिन कहानी का शुरुआत भाई कहानी कब का है और कहाँ का है? कहाँ के? 20 जनवरी 92 की ये कहानी है। कलम थर्राती है घटना या जब तूफानी है। खास या जमगढ़ में ही नरहने के गांव सही थे अमीन वही राम कुमार नाम सही। बड़ा भाई कुमार शिक्षा में स्नातक थे, पाठशाला बेसिक विद्यालय में अध्यापक थे। छोटा परिवार दोनों भाइयों में प्यार मिला, मगर यमीन के जीवन में एक दिलदार मिला। सुदामा जी के संग द्वापर में जैसे श्याम मिले, सुदामा जी के संग द्वापर में जैसे श्याम मिले। भैया बतिया के समझला नरहनपुर गांव का राम कुमार अमीन और राम शरीक दोस्त, दोनों में बहुत बड़ी दोस्ती थी
और यहाँ तक कि जिस प्रकार से द्वापर युग में सुदामा और घनश्याम के बीच में दोस्ती थी, उसी प्रकार से राम कुमार अमीन और राम शरीक के बीच में दोस्ती थी। और कहते हैं कि यह दोस्ती कभी, मतलब इसको मैं तोड़ेंगे नहीं, यह दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। दोस्ती के दामन में दागिना लगाएंगे, दोस्ती के दामन में दागिना लगाएंगे, कसम खाए थे इस जमाने को दिखाएंगे, कसम खाए थे इस जमाने को दिखाएंगे, कसम खाए थे इस जमाने को दिखाएंगे। कसम खाते हैं कि यह दोस्ती कभी टूटेगी नहीं, चाहे कोई लाख कोशिश करेगा। तो कवि के एक थे यहाँ तर्ज देख पड़ल, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। वाह, यही तर में कभी के लिखे पड़ गए, जिएंगे मरेंगे एक साथ ओ साथी मरते दम तक, जिएंगे मरेंगे एक साथ ओ साथी मरते दम तक, जिएंगे मरेंगे एक साथ ओ साथी मरते दम तक, मरते दम तक अगले जन्म तक, सबके नजारी तक जन्म जन्म तक, जिएंगे मरेंगे एक साथ ओ साथी मरते दम तक, जिएंगे मरेंगे एक साथ ओ साथी मरते दम तक। वाह, कसम खाते हैं दोस्त किया, दोस्ती कभी टूटेगी नहीं, यह दोस्ती बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे कभी के तर्ज देख पर गए, अरे का चाहिए बा सकी बहनिया, अरे का चाहिए बा सकी बहनिया, बहनी लचकत जा बहनी लचकत जा बहनी लचकत जा, हो का चाहिए बा सकी बहनिया, बहनी लचकत भैया दिया बहनी लचकत जा। में कभी के लिखे पर गए, अरे बोला रामचारी खाए का दिनावा भैया मितवा हमार, भैया मितवा हमार, भैया मितवा हमार, बोला रामचारी खाए का दिनावा भैया मितवा हमार, भैया मितवा हमार। छोटा सा तू कह दे सनावा, छोटा सा तू कह दया सनावा, भैया मितवा हमार, भैया मितवा हमार, भैया मितवा हो, छोटा सा तू कह दया सनावा, भैया मितवा हमार, भैया मितवा हमार। भैया छोटवर के हमारे थे एहसान कह दो, और कौन एहसान कह दा, बिगड़ल गरीबिया में घर की समैया, 10,000 दे दयाज हमके रुपैया, 10,000 दे दयाज हमके रुपैया, 10,000 दे दयाज हमके रुपैया। अरे बाद में चुकाई देबू बीरनवा, अरे बाद में चुकाई देव बीरनवा, भैया मितवा हमार, भैया मितवा हमार, भैया मितवा हमार, में चुकाई देव बीरनवा, भैया मितवा हमार, भैया मितवा हमार। माँ कहे कि 10,000 रुपया दोस्त दे दो हमारे घरे, बड़ी बदमिशी आ गई बा, 10,000 रुपया दे दा, पैसा हम तुके बाद में वापस कर दे। इतना बतिया जब राम शरीक सुनल, राम कुमार जब कहले, राम कुमार से कहले, तो वो अपने मन में सोचता है, राम कुमार अमीन अपने दिल में सोचले का
अरे वीर वही जो वीरता के लिए मर जाए भले तन शीश कटायो, अरे दान वही जो कि दीन लिए दुखियों से ही नितया शीश के पायो, अरे राजा वही जो प्रजा के लिए सुख दुख में जो की हाथ बटायो, अरे मीत वही जो कि मीत लिए तन मन धन यार पड़या से पुजायो, तन मन धन यार पड़या से कि मित्र वही है जो अपने मित्र के लिए जान कुर्बान कर दे। इतना बतिया सुन ले और सोच के उनके पैसा दे दिला रामसरी के, रामसरी घरे चले लगला। लेकिन एक ठिया कवि के तर्ज देख पर मोरे पीछवा रवा सोनार की दुकानिया सोनार कर दुकानिया सोनार कर दुकानिया सोनार कर दुकानिया सोनार कर दुकानिया। अरे नथिया तगड़ेला पितरियन के बड़ी निक लागे गीत, बड़ी निक लागे गीत, कोई लारियन के बड़ी निक लागे गीत। ए भैया यही तर्जुमा में कभी लिखना का मनवा मनवा विभोर भाया जोर भसपनावा, मनवा विभोर भाया जोर भसपनावा, मनवा विभोर भाया जोर भसपनावा। अरे चल दिया रुपया ले भवनवा के केहू कैसे बिसराई, केहू कैसे बिसराई, ए हसनवा के केहू कैसे बिसराई, ए हसनवा के केहू कैसे बिसराई, ए हसनवा के केहू कैसे बिसराई। बीतल छ महीना हो अमीन एक दिनवा, बीतल छ महीना हो अमीन एक दिनवा, बीतल छ महीना हो अमीन एक दिनवा। आ पैसा मंगन गइल मीत के भवनवा, पैसा मंगन गइल मीत के भवनवा, पैसा मंगन गइल मीत के भवनवा। अरे नागवार लाग बात ई जवानवा के हो जवानवा के केहू कैसे बिसराई, केहू कैसे बिसराई, यह सनवा के केहू कैसे बिसराई, यह सनवा के केहू कैसे बिसराई, यह सनवा के केहू कैसे बिसराई। एक दिन के बाद बाद जब पैसा लेके छह महीना बीत गई ना दिला तो राम कुमार उनके यहाँ गए, कहना दोस्त पैसा दे दो हमारे यहाँ कुछ काम पड़ गई बा। लेकिन इतना बतिया जब कहले तो दोनों मित्र में कुछ बात होके लगा, बात दोनों मित्र में ऐसी हो जाती है कि अनबन हो जाता है और वहीं दोस्ती के बीच में दरार पड़ने लगता है। तो घटिया भइल मीत मीत के करानवा, पैसा मंगान चलन बेच, पैसा मंगान चल बेच लई मानवा, पैसा मंगान चल बेच लई मानवा, पैसा मंगान चल बेच लई मानवा। अरे खरी खोटी होले रात दिनवा के हो रात दिनवा के केहू कैसे बिसराई, केहू कैसे बिसराई, ए हसनवा के केहू कैसे बिसराई। ए भैया दोनों दोस्त में दोस्ती के बीच में दरार पड़ जाता है। लेकिन कभी क्या एक लाइन टेक देख पड़ी भाई, अरे एक दूजे में दरार पड़ गया हो, एक दूजे में दरार पड़ गया, कैसे करी के हुए अब दुनिया में उपकार हो, एक दूजे में दरार कैसे करी के हुए अब दुनिया में उपकार, दूजे में दुनिया में उपकार, एक दूजे में दरार पड़ गया। दोनों दोस्तों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है और एक दिन के बाद
बचपन की दोस्ती में अरे दरार पड़ी गई हो। राम कुमार आए एक दिन अजमतगढ़ बजरिया, मौका के तलाश करे अरे राम सरीख पपिया हो। कहे तब बना के बात भई के पयरिया, आज पियल जाई मीता कर नशा में शरीरिया। जाने ना अमीन होई अरे धोखावा के मरिया हो। आ नशा में चलना धई के दोनों जन डहरिया। दोस्तों उसी बाजार में राम शरीफ भी पहुंचा और राम कुमार पहले से पहुंचे हुए थे और दोस्त से पैरवी करके कहा, दोस्त आज हम लोग शराब पिएंगे, शराब पीने की बात बनाते हैं, दोनों साथ में जमकर शराब पीते हैं और शराब पीकर रास्ता पकड़ते हैं। राम कुमार को ज्यादा नशा हो जाती है तो करते क्या है, सोचता है कि आज ही बात बनेगी, किसी और दिन यह बात नहीं बन सकती भाई। तो कभी क्या तर्ज देख पर गई, अरे रंगाई देव चुनरी, अरे रंगाई देव चुनरी, अब की फगुनवा में रंगाई देव चुनरी, अब के फगुनवा में रंगाई देव चुनरी, अब के फगुनवा में रंगाई देव चुनरी। या भैया जिया भगुनवा मेरा नाई देव चुनारी, अब के भगुनवा मेरा नाई देव चुनारी। यही तक में कभी लिखे और वो सब करते क्या हैं? क्या अरे दगिया लगावे ला हो, अरे दगिया लगावे ला, दुसती के दामन में दगिया लगावे ला, दुसती के दामन में दगिया लगावे ला, दुसती के दामन में दगिया लगावे ला। रात अधेरी अधियारी में जहाँ सलो नाता, रात अधेरी लहोरामा जहाँ सलो नाता, अरे गमछा फसा के पापी, अरे गमछा फसा के पापी, अरे नटई दबावे ला, दोस्ती के दामन में दगिया लगावे ला। ए भैया उसी ताल पे ले जाकर दोस्त को जो है गला दबाकर उस गमछे से मारना शुरू कर देता है तो दोस्त रो रो कर अपने दोस्त से कहने लगता है, कह का रोई के अमीन बोला धई के चरनी आए भैया, धई के चरनी आए भैया, जिन मारा जानावा मार जी, पैसा के कारण भैला आज तू कसैया हो, आज तू कसैया हो, भूल गईला हमरो उपकार जी, जनमा के मरले जग में होई हसैया भैया, होई हसैया भैया, छोटा छोटा बचावा हमार जी, केहू से कहब नहीं अजवाली बतिया हो, अजवाली बतिया हो, करीला तो हसे करार जी। दोस्त अमीन राम कुमार रो रो कर अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त यह बात मैं किसी से नहीं कहूंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मेरे जिंदगी को छोड़ दो। इतनी जब करुण भरी बात अपने दोस्त की राम सरीख सुनता है तो निर्दयी होते हुए भी उसे थोड़ा दया आ जाती है और उसको छोड़कर चला जाता है अधमरा सांप की तरह, लेकिन छोड़ के चला जाता है। लेकिन हुआ क्या,
अरे छोड़ी गई ले रे, अरे छोड़ी गई ले रे रात सुतले सड़किया पे, छोड़ी गई ले रे रात सुतले जरिया पे, छोड़ी गई ले रे रात सुतले जरिया पे। अरे कवनो सवत से नाता जोड़ी गई ले रे रात सुतले से जरिया पे, छोड़ी गई ले रे रात सुतले से जरिया पे, छोड़ी गई ले रे रात सुतले से जरिया पे। यही भाव में कवि ने लिखा, अरे छोड़ी दी हले रे पापी, अरे छोड़ी दी हले रे पापी रात के सड़किया पे, छोड़ी दी हले रे पापी रात के सड़किया पे, छोड़ी दी हले रे पापी रात के सड़किया पे। साथी शरीख से कहे धमकाई, आया धमरा सांप एक दिन बदला चुकाई, अरे घर जाके गर्दन मरोरी दिहल रे, अरे घर जाके गर्दन मरोरी दिहल रे पापी सुतले सड़किया पे, छोड़ी दिहल रे पापी सुतले सड़किया पे, छोड़ी दिहल रे पापी सुतले सड़किया पे। वाह, इतने निर्मम हत्या करते हैं कि उसे वापस जाकर फिर उसके गला को वह राम शरीक दोस्त जो है गला दबोच देता है, वह दोस्त वहीं पर मर जाता है, मर जाता है। और मरने के बाद वह करते क्या है, फेके लाश मंझरिया गांव ले जाई तीनों पापी हो, फेके लाश मंझरिया गांव ले जाई तीनों पापी हो, और कुआं बीच पानी में दिया डुबाई तीनों पापी हो, कुआं बीच पानी में दिया डुबाई तीनों पापी हो, कुआं बीच पानी में दिया डुबाई तीनों पापी हो, कुआं बीच पानी में दिया डुबाई तीनों पापी, तीनों पापी, तीनों पापी हो, कुआं बीच पानी में दिया डुबाई तीनों पापी हो, कुआं बीच पानी में दिया डुबाई तीनों पापी हो। अरे तीसरे दिन एक लड़की वहीं पर बकरी रही चराई हो, देखला सलन्नी मुन्नी डर के मारे चिल्लाई हो, तो गांव के लोग थाने पर खबर पठाई तीनों पापी हो, अपा के खबर दरोगा गई ना आई तीनों पापी हो, अपा के खबर दरोगा गई ना आई तीनों पापी हो, अपा के खबर दरोगा गई ना आई तीनों पापी हो। लड़की जाकर गांव में हल्ला करती है, दरोगा आते हैं और दरोगा आकर लाश को निकालते हैं। उसी गांव का राम शरीक मित्र जो था वो अभी सामने मौके पर आता है, मित्र की लाश को निकालता है, निकाल कर रोने लगता है। तब मित मरण वह मित देख रोया आंसू छलकाई हो, बचपन के साथी तू रहला गईला छोड़ पराई हो, लाश निकाले खुद ही प्यारा जताई तीनों पापी हो, अपराधी को चकमा दिया दिखाई तीनों पापी हो, अपराधी को चकमा दिया दिखाई तीनों पापी हो, अपराधी को चकमा दिया दिखाई तीनों पापी हो। वाह, दिखाई तीनों पापी, तीनों पापी, तीनों पापी हो, अपराधी को चकमा दिया दिखाई तीनों पापी हो, अपराधी को चकमा दिया दिखाई तीनों पापी हो। वही दोस्त जाकर लाश को निकालता है और लाश निकाल कर वहाँ पर अपने मित्र के सामने रोता है, ताकि यह गाँव पुर वाले समझ जाए कि उन्होंने नहीं यह काम किया। सनसनी खेत घटना ऊपर सिरपत प्रधान घबराए हैं, सरपंच शाम के समय गांव में पंचायत करवाए हैं। अरे शिक्षित समाज यह गांव मेरा, अरे शिक्षित समाज यह गांव मेरा, आखिर किसने यह रोष किया, अरे किसकी माँ दूध पिलाई है, किसने ऐसा दोष किया। सिरपत प्रधान गांव पर पंचायत करवाने और करवा के कहने कि यह किसकी माँ दूध पिलाई है कि इतना बड़ा गद्दारी यह गांव के अंदर हो गया, मेरा गांव इतना शिक्षित होते हुए भी ऐसी गलती हो गई। तो अल्लाह भावदेव परल कवि के, अरे तीन चीज छिपे ना छिपवले दुनिया में भैया, तीन चीज छिपे ना छिपवले दुनिया में भैया, क्या पत्थर लगा लिया छिपे न
पाछे पौल दुनिया में भैया चोरी हत्या पाप हो कलंक जवन बाय चोरी हत्या पाप हो कलंक जवन बाय चोरी हत्या पाप हो कलंक जवन बाय अरे सिर पद प्रधान जी के सुन के बचनिया ये भैया सिर पद प्रधान जी के सुन के बचनिया ये भैया सिर पद प्रधान जी के भैया पपी अपराधी बोला सुआ बहाया पपी अपराधी बोला सुआ बहाया पपी अपराधी बोला सुआ बहाया ए भैया पंचायत में ओकर मित्र जन बाराम शरीर गेल हल और जब देखल तो हो के आंसू गिर जात है लेकिन भैया सतराल हमें ले लो मास्टर जी भाई अरे दे द हजूर पंच बीच में फसरिया अरे हमारे ऐसा अपराधी ना केहू जग में बाया अरे हमारे ऐसा अपराधी ना केहू जग में बाया अब बचपन की दोस्ती मिटाई हम दिहली अरे हम बाटी कलंकी दिहली दगिया लगा अरे पैसा के कारण हम कैली बुरा कमवा अब अपने हाथ मीट की नटैया दबा ए भैया मित्र के गला को अपने हाथ से मैंने दबाया पैसे के लोह में आकर अरे वह गद्दार दोस्त लेकिन होता क्या है अरे अपन कसुरबा कबूल किया पपिया आगे की कहानियां सुना हो मनला आगे की कहानियां सुना हो मनला आगे की कहानियां सुना हो मनला कहानियां सुना हो मन हो आगे के कहानियां सुना हो मन लाए बाबू आगे के कहानियां सुना हो मन लाए आगे के कहानियां सुना हो मन लाए पैसे के कारण अपने दोस्त के बीच में दागी लगा देता है लेकिन लास्ट प्रमाण कवि के लिखे पर गई अरे जग में का करी केहू केहू के भलाई मितवा को भलाई मितवा आज अपना ही बन गया कसाई मितवा आज अपना ही बन गया कसाई मितवा आज अपना ही बन गया कसाई मितवा अरे दो साथी के संघ अदालत में हो गई पेश हो जमानत कराया ऊपर से लेकर के आदेश हो तो फरार बहन तक कानून मिटाई मितवा तो आज अपना ही बन गया पराई मितवा ए भैया ओकर कुछ सोर्स रहा जमानत छुटके अबहिन तक फरार बा कोनो बहन तक ओकर पता उदेश नहीं बा कहा बा कहीं दूसरे मुल्क में जाकर अपन बसेरा कर बा लेकिन लिखे पर गल कवि के बच्चों के जीवन के लिए वहाँ की अदालत 3 लाख रुपया दिया 2 बीघा अमानत वहाँ की अदालत क्योंकि वह सरकारी नौकर था इसलिए वहाँ की अदालत जो है अमीर साहब के बच्चों को 3 लाख रुपया और 2 बीघा जमीन उनके जीवन यापन के लिए देती है लानत पापी दुनिया अगर आई मितवा दया जल अपना ही बन गया कसाई मितवा अपना ही बन गया कसाई मितवा आ जा अपना ही बन गया कसाई मितवा और क्या अरे पत्नी के मिलल बा तहसील में नौकरिया यही के सहारे पार करी हनेवरिया यही के सहारे पार करी हनेवरिया तो मानवता को दिया जलाई मितवा हो जलाई मितवा तया जब पैसा पर दिहले गवाई मितवा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल पछताए कथन करे कवि राम बदन के सौ को गले लगाई हो एक दूजे में दरार पड़ गया एक दूजे में दरार पड़ गया चंद्रिका चंदीप को नए नए जुझार एक दूजे में दरार पड़ गया चंद्रिका चंदीप को नए नए जुझार दूजे में दरार ओ चंद्रिका चंदीप नए नए जुझार एक दूजे में दरार ओ चंद्रिका चंदीप नए नए जुझार एक दूजे में दरार पड़ गया।
सबनम से ही प्यार होता अली को कली हार मणियों की माला दिवाकर की लाली लसी लाली मा से चारु चंदा तिमिर में बन जाता उजाला पर बिरह को बिरह कंत को कामिनी जबकि सरिता को सावन की चाहत प्रबल है एक इंसान को प्यार औलाद की गर नहीं तो समझ लो जीवन विफल है। हर इंसान को औलाद की चाहत होती है लेकिन कभी एक लाइन नमूना लिख लें गर गुलों की चाह दिल में है गर गुलों की चाह दिल में है गुलिस्ता संवार लीजिए गर गुलों की चाह दिल में है गुलों की चाह दिल में है तो गुलिस्ता सवार लीजिए। अरे आदमी पराया है अरे आदमी पराया है आदमी से प्यार कीजिए आदमी पराया है तो आदमी से प्यार लीजिए। अरे दिया पत्थरू दिया कभी को लिखना पड़ा अरे इंसानियत ईमान बेच के इंसानियत ईमान बेच के महान ना कहाओगे इंसानियत ईमान बेच के महान ना कहाओगे इंसानियत ईमान बेच के महान ना कहाओगे इंसानियत ईमान बेच के अरे महान ना कहाओगे। अरे चूस के गरीब का लहू अरे चूस के गरीब का लहू साथ ना ले जाओगे चूस के गरीब का लहू साथ ना ले जाओगे चूस के गरीब का लहू साथ ना ले जाओगे। अगर गरीब के खून को चूस कर धन इकट्ठा किया है तो यह कोई धन नहीं कहा जाता। तो कभी यहाँ लेख लिख रहे हैं और कहानी के स्टार्ट बा खास मरवारी सुखु लाला जी महान रहे बड़े धनवान घराने के इंसान रहे ध्यान लाला जी का मन भक्ति में उल्लास रहा अंधविश्वासी थे पत्थर में जिनका आस रहा रूढ़वादी विचार ब्याज दर जलाते थे एक डमरी के चलते सबका दिल जलाते थे। ए भैया लाला सुखू लाला जन बड़े धनवान परिवार के रहले लेकिन जगह पैसा ब्याज पे दें उनसे पहले पैसा ब्याज वाला काट ले तब उनके पैसा दें। अरे एक बात हो रही की नाती करतीन बड़ा परेशान रहले तीन बेटा मगर हस्ता चमन बीरान हुआ तीन बेटा मगर हस्ता चमन बीरान हुआ किए दो की शादी दोनों का न संतान हुआ किए दो की शादी दोनों को न संतान रहा किए दोनों का दोनों को न संतान रहा। बा भैया दो के शादी कैले लेकिन दोनों के कोनो संतान नहीं भइले एक लड़का ओकर तीसरका बचल हल सोचल की एकर शादी करब तो शायद कोनो गरीबे क्या करब हो सकल कौन बाल बच्चे हो जाए तो कभी एक हाथ कर दे
जिन छुआवरिया निया हमार समधि, जिन छुआवरिया निया हमार समधि, तुअरे बहिना के ले गइल हुरार समधि, भाभिया यही तर में लिखे पड़ल कवि के, सोच भारी होला चिंता बरियार लाला जी, सोच भारी होला चिंता बरियार लाला जी, सोचे मनवा में कई के विचार लाला जी, सोचे मनवा में कई के विचार लाला जी, सोचे मनवा में कई के विचार लाला, सोचे मनवा में कई के विचार लाला जी, सोचे मनवा में कई के विचार लाला जी, सोचे मनवा में कई के विचार लाला जी, याद या मनवा में कई के विचार लाला जी, लाला जी है सोचे कि कोनो गरीबे के यहाँ शादी करब, बिटिया गरीब घर देखी के गरीबिया, अति सरा के शादी करब ठोकी के नसीबिया, तह दहेज नहीं ले तो दही जाले बना दहेज आवा, यही बार लाला जी हो, यही बार लाला जी, सोचे मनवा में कई के विचार 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 लाला, हो सोचे मनवा में कई के विचार लाला, अरे दिया पत्थर उठिया मनवा में कई के विचार लाला जी, सोचे मनवा में कई के विचार लाला जी, कहे दहेज नहीं लेव लेकिन कभी आठे तर दी है ना, चले ना जवनी आप जोर हो दरोगा बाबू, चले ना जवनी आप जोर हो दरोगा बाबू, चले ना जवनी आप जोर हो दरोगा बाबू, अब यही तरह तर लेकिन यही तरह में कभी के लिखे पर गई, खोजल पतो ही आ गरीब हो ललनवा जोगे, खोजल पतो ही आ गरीब हो ललनवा जोगे, खोजल पतो ही आ गरीब हो ललनवा जोगे, ए भैया लड़का जोगे अपन पतो ही खोजे बेचारे चल देते हुए, लेकिन भैल का जतिया में जाके तलाश है मिलना पतोहिया माँ से, जाति में जा जा खोजला एक महीना तक खोजत रह गए ना, पतो ही नहीं बेचारे के मिले तो कहे का बिगड़ल बाई सन नसीब हो ललनवा जोगे, ए भैया खोजत खोजत हार गया जब लड़का ना पोल तो कहे मालूम होता हमारे लड़का के नसीब वह खराब बा, तक गईले कहा खोजत खोजत लेकिन इतने तर लगत बा, यहाँ अरे ना जानी राम, अरे ना जानी राम विदिया रे कहा गिर गए ना जानी राम, विदिया रे कहा गिर गए ना जानी राम, विदिया कहा गिर गए ना जानी राम, बनिया भरन गई वहाँ कहीं गिर गए, अरे ना जानी राम, अरे ना जानी राम विदिया रे कहा गिर गए ना जानी राम, विदिया कहा गिर गए ना जानी राम, विदिया कहा गिर गए ना जानी राम, अब या यही भाव में लाला सोचे कि पता नहीं हमारे पोतो ही कौने गांव मिली कौने ठाव मिली, तो कहे का अरे ना जानी राम पतो ही कौन गांव मिली ना जानी राम, पतो ही कौन गांव मिली ना जानी राम, पतो ही कौन गांव मिली ना जानी राम, जयमालपुर में रही बूढ़ी एक मतरिया, जयमालपुर में रही बूढ़ी एक मतरिया, परुआ में पवल रही परुई छोकरिया, परुआ में पवल रही परुई छोकरिया, परुआ में पवल रही परुई छोकरिया,
अरे ना जानी राम, अरे ना जानी राम, पतो ही कौन ठाव मिली ना जानी राम, पतो ही कौन ठाव मिली ना जानी राम, पतो ही कौन ठाव मिली ना जानी राम। ये बतिया सोचत सोचत बेचारे वो बुढ़ी क्या पहुँचल तो भैल का खेतर लगत बाय। हाँ अरे हमारे नैहरा के ओरिया, हमारे नैहरा के ओरिया उड़ेला बदरा, हमारे नैहरा के ओरिया उड़ेला बदरा, हमारे नैहरा के ओरिया उड़ेला बदरा। जाए के बदरवा बगीचे में बरसो, जाई के बदरवा बगीचे में बरसो, माला गुथेले मलिनिया, माला गुथेले मलिनिया भिजेला गजरा, माला गुथेले मलिनिया गजरा, माला गुथेले मलिनिया गजरा गजरा। माला गुथले मलिनिया भिजेला गजरा, माला गुथले मलिनिया भिजेला गजरा, माला गुथले मलिनिया। भैया हाँ यही तरह में होत का बाप ललक है। अरे हमारे बेटा जोगे बिटिया, हमारे बेटा जोगे बिटिया तुहार भैली, हमारे बेटा जोगे बिटिया तुहार भैली, हमारे बेटा जोगे बिटिया तुहार भैली। कहे कि हमारे बेटा के जगे तुहार बिटिया हो गई बा, एक काम करा आप पंडित बोलाई के सैतिया सोधाईला, तवले बूढ़ी माँ, तवले बूढ़ी माँ वो सरिया से गुहार कैली। ए भैया बूढ़ी माँ उनके बुला ले प्यारी और कहते रही कि आ जाए बात बनी तो बनवा करी, हम तो बड़ा गरीब बाटी लेकिन होत का बात तर्ज बा। अरे लिखिला सिपाही जी हमारी रपटिया, लिखिला सिपाही जी हमारी रपटिया, लिखिला सिपाही जी हमारी रपटिया। अरे धनिया हरा गईली मेले में, लिखिला सिपाही जी हमारी पटिया। भैया यही भाव में बूढ़ी मतारी वो लाला जी से कहतनी, अरे अपने विपतिया के कहली महातरिया, अपने विपतिया के कहली महातरिया, अपने विपतिया के कहली महातरिया। अरे बोलिया न बोला यही गरीबिया में, अपने विपतिया के गली महातरिया, अपने विपतिया में गली महातरिया। हमारे बमड़ई समधी रौरे महलिया, कह कि समधी हमारे तो मड़ई बा आ तुहरे महल बा। एक बात और ही कहे, कहा भोज राजा कहा भोजवा तेलिया, कहा भोज राजा कहा भोजवा तेलिया, कहा भोज राजा कहा भोजवा तेलिया। अरे कहा सुख बेटी के नसीबिया में, अपने विपतिया के कहली महतरिया। हाँ बेचारी अपने विपत को रो रो कर बताती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ भुजवा तेली। वाह भाई हमारे मड़ैया बा आपके महल अटारी बा शादी ब्याह कैसे हुई देखे हाथ तर्ज बा। तोरा नैहरा में दुई दी गोजार बारे तोरा संगे ना जइबे, तोरे नैहरा में दुई दुई यार बारे तोरा संगे ना जइबे, तोरे नैहरा में दुई दुई यार बारे तोरा संगे ना जइबे। वाह तो लाला कहे का हमें दहेज ना चाहिए,
हम के ना चाही दहेजवा में कार तोहार दुख जानीला। हम के ना चाही दहेजवा में कार तोहार दुख जानीला। हम के ना चाही दहेजवा में कार तोहार दुख जानीला। गाँव पूरे सामने सैतिया धराइल आ दस हजार दे के सामान खरीदाइल। दस हजार दे के सामान खरीदाइल। अरे एक मड़ई भइल गल गुलजार तुहार दुख जानीला। एक मड़ई भइल गुलजार तुहार दुख जानीला। एक मड़ई भइल गुलजार तुहार दुख जानीला। वाह लाला जी कहला कि हम तुहरे दुख के जानत हई ऐसा कोनो बात नहीं बा, लेकिन हम अपने पल्ले से पैसा दे के शादी करब जरूर तुहरे लड़की के संग है। बाबा दस हजार रुपया खुद दिहला और शादी तय हो गई, दिन मुकर्रम हो गई, बारात दुआरे पे आई और बारात जब दुआरे पे आई शादी भइल और शादी होके विदाई होके लगल तो औरत अपने मन में एक सपना सजाती है। क्या सजाती है? अरे कांटो में गुल खिलाई जिंदगी। अरे कांटो में गुल खिलाई जिंदगी। बेटी गरीब की मन में सपना सजाई कांटो में गुल खिलाई। बेटी गरीब के मन में सपना सजाई कांटो में गुल खिलाई। बेटी गरीब के मन में सपना सजाई कांटो में गुल खिलाई जिंदगी। भैया बेटी गरीब की मन में सपना सजाई कांटो में गुल खिलाई जिंदगी। ए भैया कांटो में समझ लीजिए कि गुल खिला देती है, लेकिन होता क्या है, बारात दुआरे पे आयल बा और मेहरारू कुल जुट के मंगल गीत गौने करत थे। कैसे करत थे? कैसे भाव पपड़ से बा सदके द्वारे गईली बारात आई से हरा सोहेला। सदके द्वारे गईली बारात आई से हरा सोहेला। आ गोरिया मंगल गीत बिरह की गाई से हरा सोहेला। गोरिया मंगल गीत बिरह की गाई से हरा सोहेला। गोरिया मंगल गीत बिरह की गाई से हरा सोहेला। जाते समय मतारी कहली बेटी कर्म तुहार हो। सास ससुर के सेवा करी है बेटी धर्म तुहार हो। ए भैया जाते वक्त मतारी जो है कही बेटी कि सास ससुर के सेवा करी है सबसे बड़ा धन और पाप वहीं पर बा। और एक बात और कहला पति जो है भगवान के समान है, पति को अपने भगवान समझना। और कह काम पति के चरण सा कोई ना कहलाई से हरा सोहेला। पति के चरण सा कोई ना कहलाई से हरा सोहेला। आ रखिया नैहर की पगड़ी बचाई से हरा सोहेला। रखिया नैहर की पगड़ी बचाई से हरा सोहेला। रखिया नैहर की पगड़ी बचाई से हरा सोहे से हरा सोहे से हरा सोहेला। रखिया नैहर की पगड़ी बचाई से हरा सोहे। बाबिया कहे कि अपने नैहरे के पगड़ी बचा के बेटी रख ले रही है, एके डूबई है मत, लेकिन अल्लाह भाव से मिला। अरे छुटली नगरिया नैहर परवी बन बवरिया। ये भैया छुटली नगरिया नैहर परवी बन बवरिया। ये भैया छुटली नगरिया नैहर परवी बन बवरिया। ये भैया डोलवा गईला जबा लाला जी के द्वार। डोलावा गईला जबा लाला जी के द्वार। डोलावा गईला जबा लाला जी के द्वार। सासू जी पतोहिया से कहली एक बतिया। ये भैया सासू जी पतोहिया से कहली एक बतिया। ये भैया सुन बेटी और जीवा एक हो हमारा। ए भैया बेचारी जब दरवाजे पर डोला पहुंचल गांव के मेहरारू जुट गईली तो दुल्हन के उतार देली। उतरले के बाद लड़ाइन कहली बेटी देखा हमारे गाँव के रीत रिवाज बा, रीत रिवाज के पूरा करे परी तब अंदर चले परी। बा भाई तो पूछा का रीत रिवाज बा? ललाइन कहली कि मंदिर में चले के पूजा करे परी। और हमारे हिंदू धर्म के रीत रिवाज बा का बा? अरे हिंदू धर्म में पहले से बारितिया। ये भैया हिंदू धर्म में पहले से बारितिया। ये भैया हिंदू धर्म में पहले से बारितिया। ये भैया
बाबा चली मंदिर में दर्शन करिया। ये भी कहे कि चला मंदिर में दर्शन करके यहाँ, लेकिन भाई का अरे साथे में पतो ही आला लाइन लेके चल ली, साथे में पतो ही आला लाइन लेके चल ली। मंदिर एक गौवा के रहला पिछवा, आ पहले देखाई रे एक शेर की मूर्तिया, अब परवी देखत तब कैली चिघा। ए भैया मंदिर पर पहुंचल और जब सामने देखला तो एक थे शेर बा और शेरबा उस समझती है कि हमके खा जाई। वाह भाई, चिल्ला जाती है कि साजी हमारे प्राण को बचा लीजिए, नहीं तो मुझे खा जाएगा फाड़ के। ए भैया इतना बतिया जब सुन ले ललाइन कहली बुझाता पतो ही गंवार शायद बका, अब परवी देखता तब कैली चिघा, अब सासू जी बचावा ना तो जाला मोर पराना, अब खा जाई शेरवा शरीरिया के फा, अब कही समुझाई के ललाइन एक बतिया, अब कहे के डेरालू छोटा दिलवा तोहा, अब पत्थरा के बनल बाटी सगरो मूरतिया। ए भैया कहे कि का डेरा थे सजी पत्थर के मूर्ति बा, कहे तू डेरा थे, आगे बढ़ा तनी। अरे फिर देखी गवा बाया चरज अपा, अब सीता के उधार के रवाना वाले जाला, अब सीता के उधार के रवाना वाले जाला, अब कह लगी परुई बचाव नर नार, कह लगी परुई बचाव नर, ओ कह लगी परुई बचाव नर नार। भैया कहे कि परी हमार जल्दी जान बचा लो, इतना जने बाटू औरत लगन और रावण जोन बा सीता के हरने जाता के बचाए वाला नहीं बाटू। ए भैया इतना बतिया जब कहला तो कुछ और ही औरत जानवारी हंसे लगली, कहली सचमुची गंवारी बा का भैया मालूम होता, हमन के तो जानते नहीं उसे मजाक करते नहीं, सचमुची गंवारी बा भैया तने मास्टर पढ़ के। अरे ऊह बत, अरे ऊह बल्ला लाइन हो बतौली पथरा का, अब जगमा कहलिया सुना हो बरिया, अब यज्ञ में जरत रहली एक होती रियावा, अब लेके पानी गगरा हो फेक दीपवा, अब सतकी औरतिया ठठाए हस बिहली, अब पवलू ललाइन जी पतो ही गवा, अब पवलू ललाइन जी पतो ही गवा, अब लजिया के मारे हो ललाइन गरी गई, अब लजिया के मारे हो ललाइन गरी गई, अब कितना समुझाई मारल मतिया तोहा, अब कितना समुझाई मारल मतिया तोहा। भैया आगे बढ़ने देखा कि आगी लगल बा, एक मूर्ति थी उसमें आगी के सामान लगा हुआ था, वह देखती है तो जो पानी चढ़ाने के लिए मंदिर में ले जाती थी वो गगरा के पानी वही मूर्ति के ऊपर धा से गिरा दे, सजी मेहरारू देख के हंसे लग गई। पहली बार मेहरारू बा बहुत गड़बड़ था, मेहरारू बा के कुछ बुझता सुनते ना भाई कौन चीज है कौन चीज ना। भाई तो उसकी सात जब ऐसी दशा देखती है उसका सर नीचे हो जाता है, सजी मेहरारू हंस दे मुड़ी नीचे हो गई और करे काम। अरे पथरा की बनल बाटी सगरो मूरतिया, अब पथरा के बनल बाटी सगरो मूरतिया, लेके आशीर्वाद चला भगवान से नार, आशीर्वाद चला भगवान के नार, लेके आशीर्वाद चला भगवान के नार। या मास्टर या नार बाबू लेके आशीर्वाद चला भगवान से ना, लेके आशीर्वाद चला भगवान से ना। ए भैया जब इतना बतिया कहले कि बेटी सजी पत्थरे की मूर्ति बारी, फिर कहली दोबारा की आशीर्वाद ले लो तब घर चला, तो करे के बात याद आ गेलो दुल्हनिया कहले का आशीर्वाद दे। अरे जो जब पत्थरा सजी बा तो हमको वो आशीर्वाद कौन चीज दे भाई, तो एक बात तो कहती है क्या कहती है, अरे बोली तब का दे आशीर्वाद जननी हो आशीर्वाद जननी, तो जेकर पथरा के बनल बुनिया जननी, बाबिया कहे कि उनका आशीर्वाद जाए जेकर पत्थर के बुनियाद बनल बा, तो पत्थर के पूजा से न होई निस्तार हो, न
नैहर में सिखौली माई हमके हमार हो, नैहर में सिखौली माई हमके हमार हो, नैहर में सिखौली माई हमके हमार हो। आज भइल बात याद हमके जननी, आज भइल बात याद हमके जननी, जेकर पथरा के बनल बुनियाद जननी, जेकर पथरा के बनल बुनियाद जननी, जेकर पथरा के बनल बुनियाद जननी, हो बुनियाद जननी, हो बुनियाद जननी, हो बुनियाद जननी, जेकर पथरा के बनल बुनियाद, और कहले का कि पत्थर पाथर का हमें आशीर्वाद दे। और एक बात और ही का कहले, अरे सास ससुर के सेवा करी हा, बेटिया से लगाई हो, और पति के तू भगवान समझी हा, पावन प्रेम दिखाई हो। क्या हमार माई बतले रही कि भगवान से बड़ी के पति हमें, और सासू ससुर के सेवा में जीवन भर लिपटल रही है, वह सब कुछ बा। लेकिन भइल का, अरे अंधविश्वास विवाद बात जननी, अरे हो बात जननी, जेकर पत्थर के बनल बुनियाद जननी, बुनियाद जननी, हो जेकर पत्थर के बनल बुनियाद, जेकर पत्थर के बनल बुनियाद जननी। हाँ भैया, जब इतना बतिया कहल तो सासू जी के तनी माइंड में ही बतिया घुस गयी, उनके माइंड में बात घुस गयी, तो कैलिन का, अरे सासू जी अनमोल हसुनी के उपदेश हो, बिना दर्शन घर को चल दिहली, बतिया समझ विशेष हो, तो कही मिटाव जल से ब्राह्मण बाद जननी, हो ब्राह्मण बाद जननी, तो जेकर पत्थर के बनल बुनियाद जननी, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल समझाए, कथन कराए कवि राम बदला, केशव को गले लगाई हो, कांटो में गुल खिलाई जिंदगी, अरे कांटो में गुल खिलाई जिंदगी, तो चंद्रिका राम बदन को नई चेतना आई, कांटो में गुल खिलाई जिंदगी, चंद्रिका राम बदन के नई चेतना आई, कांटो में गुल खिलाई जिंदगी, ओ चंद्रिका राम बदन के नई चेतना आई, कांटो में गुल खिलाई जिंदगी। अरे भैया ई हा बाण कलयुग व्यवहार, भजनिया कर मन मूरख हो जैबा भव से निपा, अब कगजा कन्हैया है बनल बा कन्हैया, अरे कगजा कन्हैया है बनल बा कन्हैया, की बिगड़ल बात न हमार, अरे बिगड़ी बात न हमार मन मैहरिया, बिगड़ न बात अरे राम हरक भैया मोरे कैला, ओ राम हरक भैया मर करवाला के सीटवा, उन हुक बटउ पका,